أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. हम सिलसिलेवार आरइस तौहीद के रोल मॉडल के उन्वान पर अर्ज़ करते रहे हैं, तो इस सिलसिले को आगे चलाते हुए आज हम कुछ मुख्तसर सैयदुल उरफा आलिम रब्बानी सैयद अली आगा काज़ी तबा तबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के कुछ इरशादात अर्ज़ करते हैं, फरमुदात और रहनुमाई उनकी। तो आपको मालूम है, दो चीज़ें मैं थोड़ी अर्ज़ करूँगा मुख्तसर, कि आगा ने फरमाया नमाज के मुतालिक कुछ रहनुमदात और कुछ उनके इरशादात। आगे बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि आगे काजी ने फरमाया कि अगर कोई अपनी नमाज को अवल वक्त पढ़े और तो वो आली मुकामात तक न पहुँचे तो मुझे लानत करे। इसमें आगे बहजत से रिज़वानुल्लाह ताला अलैह लोगों ने पूछा कि ख़ास नमाज होनी चाहिए जिससे इंसान मुकामात आलिया तक पहुँचे, कहा नहीं, ये जो आप आम नमाज पढ़ते, जो इंसान अपनी नमाज पढ़ते वही नमाज, आदि नमाज, न खास और अवलिया की नमाज, न खास, लेकिन अव्वल वक्त पर पढ़े, अव्वल वक्त पर पढ़े। हाला जो शरायत आमा है उसमें फिकही वो तो मालूम है, वो शरायत होनी चाहिए, कुछ अखलाकी और इरफानी नुकात, मतलब इखलास होना चाहिए, जाहिर है कि आदि आरिफाना नहीं है, इखलास होना चाहिए खुदा के लिए बंदगी, और मसलन तवज्जो होनी चाहिए, मैं किस के सामने हूँ और हाजिर है मेरे सामने, तवज्जो है कल्ब होनी चाहिए, और मुहर्रमात और वाजिबात जो है उनको लिहाज रखे ज़िंदगी में, नमाज में भी इस्तिकामत करे, ठीक है, क्या करे, इस्तिकामत करे बंदगी में, रोज़ाना जो ज़िंदगी करता है हराम हलाल को अंजाम या तर्क करने में क्या करे, इस्तिकामत करे। तो ऐसा आदमी बस इन्हीं मामूली शरायत के साथ ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। अब आप कहोगे कि मसलन सलमान फारसी रिज़वानुल्लाह उनके मुकाम तो अबू ज़र के मुकाम, नहीं भाई, जहाँ से उतरा है वहीं से वहीं वापस पहुँचेगा, यह जो इसके लिए मुकामात रखे हुए हैं, जो रखे हुए हैं इसके लिए मुकामात, उनसे भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि अपने उन जहाँ नुज़ूल है वहाँ उसी मुकामात के वापस सऊद में इसको मुकामात मिल सकते हैं। तो इसलिए इंसान को ऐसा नहीं है कि बहरहाल कहीं ना कहीं उसका मुकाम मिल जाएगा, फोक कुल ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के बाद एक और आलिम है, लेकिन जहाँ तक इसको पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकते, जो इस्तेदात है जिसके लायक है एलिजिबल ग्रेड वहाँ तक पहुँच सकता है, बहुत बड़ी बात है अव्वल वक्त नमाज पढ़ना। तो फिर आगा काजी रसूलुल्लाह तआला फरमाते हैं, जहाँ किसी मस्जिद में आपको हाल पैदा हो जाए नमाज का, वहाँ पढ़ी वहीं पढ़िएगा नमाज, तो चाहे अपने मोहल्ले वाले या दूर वाले, ज़ाहिर है कि जहाँ आपको तवज्जो कल्बी ज़्यादा हो और हाल पैदा हो जाए, लेकिन याद रखें कि उसमें इज्तिमाई उमूर का ख्याल रखा जाए। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इख्तलाफ और लड़ाई और झगड़ा और तशद्दुद ईजाद आ जाए उम्मत में, मोहल्ले में, ऐसी चीज़ें परहेज़ करनी चाहिए, और खालिसतन लिल्लाह उस मस्जिद में जाए जहाँ उसका हाल पैदा होता है, हाल बंदे और खुदा के दरमियान। तो
हमारे पास एक खूबसूरत वाक़ा है कि अभी आगा अल्लामा सैयद मोहम्मद सैंतबाबाद आग काजी पे गए और उन्होंने उनको नसीहत की, जवान थे, कहा ए जवान, दुनिया चाहे तो नमाज शब पढ़ो, आखिरत चाहे तो नमाज शब पढ़ो। नमाज शब, नमाज की बहस हो रही है, दोनों सूरत में क्या है, दुनिया के लिए मुफीद भी है और आखिरत के लिए भी मुफीद है। हज़रत काजी का दस्तूर अपने उस शागिद अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबा तबाई रहमतुल्लाह अलैह और ख़ुद हज़रत काजी मस्जिद कूफे में, मस्जिद सहला में नमाजों में मशगूल होते थे, पूरी रात बैतुता करते थे, पूरी पूरी रात। तो इस बारे में आपको मालूम होगा, हज़रत अल्लामा तबा तबाई अपनी किताब महर ताबान में फरमाते हैं कि उस्ताद सैयद अली आगा काजी तबा तबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने हमें फरमाया था शागिर्दों को कि आप जो जिक्र करोगे, कुरान पढ़ोगे या नमाज पढ़ोगे, जिक्र कुरान या नमाज, आप इन अजकार या इन अफाल के दरमियान अगर कोई ख़ास चीज़ बहिश्ती वगैरह आप नोटिस करें तो तवज्जो न करें उस तरफ। अपने काम जिसमें आप मशगूल हैं, नमाज में मशगूल, नमाज पढ़ते रहो, कुरान मशगूल है तो कुरान मशगूल, लेकिन उस खास जन्नती उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करना। तो देखते हैं, अल्लामा फरमाते कि मैंने मस्जिद कूफा गए और वहाँ पर बैतूता करते थे, नमाज में मशगूल रहते थे। तो पैसे कहते कुरान में हला, पैसे कहते नमाज में मशगूल थे। हो सकता दोनों में वाक़ा हुआ, हो सकता एक में। तो हज़रत अल्लामा रज़ियल्लाहु ताला अलैह कह रहे हैं कि मैं नमाज में एक दफ़ा मैंने दाई जानब देखा हूर बिहिश्ती, बिहिश्ती हूर, और अपनी तरह मेरी तवज्जो करवाना चाहती थी कि मैं उसकी तरह तवज्जो करूं। और बिहिश्ती जो शराब है, शराबन तहूरा, वो मेरे अपने हाथ में लेके मुझे पिलाना चाहती थी। तो दफ़तर मुझे याद आया उस्ताद काजी रहमतुल्लाह अलैह की जो नसीहत थी कि आप उसकी तवज्जो नहीं करना। मैंने सर नीचे के, नज़र नीचे के, और उसके उस फरमाइश को रद्द किया। तो उसके बाद मैं देखा वो नाराज़ हुई और बाई जाने बाई, तो इसी तरह की पेशकश की बाई जान, फिर मैंने उसको रिजेक्ट किया और सर नीचे रख के तवज्जो नहीं की। वो फिर मायूस होके चली गई, वो कह रहा पूरी उम्र जब मुझे वाका वो याद आता है तो मुझे बहुत नाराज़गी होती है कि मैंने उसको नाराज़ किया, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। हालांकि वो हूरी बिहिश्ती खुद आगा सैयद मोहम्मद हुसैन तबा तबाई के अपने बिहिश्ती, उसका ज़हूर आलमे बरज़ख में उनके लिए हुआ था, लेकिन तवज्जो नहीं करना था और हज़रत काज़ी ने मना किया तो उस्ताद के दस्तूर पे अमल करना लाजिम था। इस तरह आप देखते हैं कि हज़रत काज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान में बहुत ख्याल रखते थे और पूरे रमज़ान में ज़िक्र व नमाज़ो मस्जिदों और कुरान और इन चीज़ों में मशगूल रहते थे। मस्जिद सहला में जाते थे, मस्जिद कूफा में जाते थे और कभी दर्स व तदरीस में अपने शागिर्दों को रहनुमाई करते, तहसीलात देते थे। और ये 20 दिन होता था पहले, 20 दिन रमज़ान मुबारक के, और आखिरी 20 दिन जो है उसका कुछ खबर नहीं होता था। अल्लामा को जहाँ भी ढूंढते थे, आगा काजी तबा तबा रहमतुल्लाह अलैह जहाँ भी ढूंढते थे मिलते नहीं थे, वहाँ मिलते नहीं थे। वजह पता नहीं, ये असरा उनके घर वालों को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ जाते, बताए भी बता के भी नहीं जाते थे और कहीं उनके नामो निशान नहीं मिलते थे। ख़ास करामात और ख़ास जिक्र अजकार हज़रत खुमैनी अबुद शिकन भी रहमतुल्लाह रमज़ान के पूरे महीने में लोगों से मुलाकात और खसूसी तमाम अमूमी
کاٹ دیتے تھے اور اپنے عبادات میں مشغول رہتے تھے. تو ایک اور واقعہ ہے نماز کے متعلق. حضرت قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد سید ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے اور ستوہ کے نزدیک تک پڑھا تھا انہوں نے کہ بہ حدادی کا کام کرتے تھے, لوہاری کا کام کرتے تھے, کہ بہت کرامات ہے. اگر سے انشاءاللہ الگ سے کبھی عرض کریں گے آپ کے. تو یہ وہی شاگرد ہے جنہوں نے جلتے ہوئے اس تنور میں ایسی ہاتھ ڈالا تھا, وہاں سے لوہا جو گرم تھا وہ ہاتھ سے اٹھا کے باہر شاگرد نے دیکھا, وہ بے ہوش ہو گئے. یہ تھے استاد کن کے, آگے آیت اللہ مرتضیٰ متحری رحمۃ اللہ شہید کے استاد تھے, معنویت میں معنوی استاد تھے. تو انہوں نے کہا آپ یہ آغا مصباح رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرتے, دوسرے اساتذہ بھی میں نے دیکھا انہوں نے نقل فرمایا ہے, شاید تبا تبائی صاحب نے بھی. تو فرمایا کہ انہوں نے پوچھا آپ کس طرح نماز پڑھتے ہو, آگے متحری صاحب نے کہا کہ میں اس طرح توجہ کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں, نماز کھڑا ہو جاتا ہوں, الفاظ نماز کو زبان پہ لے آتا ہوں, ان کے معنی تصور کرتا ہوں اور پھر نماز ادا کرتا ہوں. تو حضرت ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ انہوں نے کہا پھر نماز کا پڑھتے ہو, پھر نماز کا پڑھتے ہو, اس کی تشریح بہت زیادہ ہے, ابھی یہاں ممکن نہیں کہ میں اس کی وضاحت پوری طور پر کر پاؤں. اس طرح آپ دیکھتے ہو کہ حضرت قاضی کے رحمۃ اللہ علیہ کے نماز کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نمازشا پڑھتے تھے, بیچ بیچ میں چائے پیتے تھے, بیچ بیچ میں لسی پیتے تھے یا میوہ کوئی خاص مختصر, تاکہ بدن صحیح رہے, نیند اور تھکاوٹ اور اس کا غلبہ نماز پہ نہ رہے. یہ ہم بزرگاں بہت حوزے میں سنا ہے اساتذہ سے کہ نماز اول وقت اور روٹی کے لائن صف میں, نون وائی کے صف میں رہنا وہاں, تو وہ کہتے جاؤ روٹی لے کے آؤ پھر نماز پڑھو, تاکہ آپ کا ذہن روٹی کی طرف نہ رہے, خدا کی طرف رہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہو نماز جو حضرت قاضی اپنے شاگردوں کو کہتے تھے, قنوت میں ایک خاص قنوت پڑھے, نماز کی قنوت میں یہ دعا پڑھے, اللہم ارزقنی حبک, خدا مندہ مجھے اپنی محبت عطا کر, وحب ما تحب, اور اس کی محبت دے جس کو تو دوست رکھتا ہے, جس کو تو محبت کرتا ہے, وحب ما یحبک, اور اس کی محبت مجھے دے جو تمہیں محبت کرتا ہے, بہت جامع. اور والعمل الذی یبلغنی الی حبک, اس مجھے وہ عمل عطا کر جو میری تیری محبت تک پہنچا دے, تمہارے محبت تک پہنچا دے. واجعل حبک احب الاشیاء الی, اور تمہاری محبت میرے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز ہونی چاہیے. یہ دعا فرماتے تھے کہاں, اپنے نماز کی قنوت میں, حضرت قاضی رضوان اللہ تعالیٰ. تو آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے روزے میں گئے تھے, تکبیر احلام پر احرام پڑھا اور وہیں 40 سال کے بعد فتح الباب ہوا, خدا سے ملاقات ہوئی, حقیقی ملاقات, ایسی عوالم اس کے لیے مکشوف ہو گئے جس کے بعد قاضی وہی قاضی معروف بن گئے جو ہم جانتے ہیں. یہ بھی نماز میں ہی, وصل الی اللہ نماز میں. ان کے شاگرد کے شاگرد, ان کے شاگرد علامہ طباطبائی سید محمد حسین طباطبائی, ان کے شاگرد آیت اللہ سید محمود, آیت اللہ شیخ محمود تحریری صاحب, وہ بھی نماز تکبیرۃ احلام پڑھے اور اسی میں جان دے دی, اللہ اکبر وہ ان کا آخری کلمہ تھا, اسی نماز جماعت میں امامت کرتے ہوئے
तकबीरत अहलाम अहराम कहते हुए अपनी जान दे दी। आपको मालूम हजरत काजी की माली हालात बहुत खराब थी, इंतहाई खराब थी, उधर से औलादे भी ज्यादा थी, तो इसका मतलब परेशानी है ना, परेशानी और माली मुश्किलात वगैरह, तो ऐसे मुश्किलात का सामना करते थे। लेकिन जब नमाज में आते थे सारी मुश्किलें भूल जाते थे, ऐसे तुमानीना और इत्मीनान और सुकून की नमाज पढ़ते थे जैसे कुछ मसला है ही नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लामा ताबताबाई फरमाते हैं, मुझे मालूम था ये बहुत गरीब है यानी मुफलिस, और नाजफ अशरफ में अवला अपने एक साहिब खाना के यहाँ थे, किराए पर थे, तो उन्होंने कहा किराया नहीं दे पाया, क्या हुआ मसला, किराए शायद नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा नहीं आप खाली करें हमारा मकान, मकान खाली किया, वहाँ से निकल गए कहाँ, कूफे की तरफ, मस्जिद कूफे के ऊपर से जगह ले ली जहाँ गरीब लोग रहते थे, ऐसी अजीम हस्ती वहाँ बच्चे लेके, तो ज़ाहिर परेशानी थी, माली परेशान, घर की टेंशन, औलाद वगैरह, तो मैं गया मिलने वहाँ, अल्लामा ताबताबाई कहते सलाम रहमतुल्लाह, मैं आगा गए, आगा नमाज में गए, नमाज में ऐसे जैसे कोई परेशानी है ही नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं, मैंने उनको देखा उस खुशू और खुशू और तमानीने में, कमाल तमानीने के बाद जनाब अली नमाज पढ़ने के बाद फिर देखा ताकीबात में मशगूल रहे जैसे कोई गम है ही नहीं। तो फाकिम सलात ने दिखरी जैसे रसूलुल्लाह फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि, क्या फरमाते थे, या अरहना या बिलाल, ए बिलाल अजान दे दो हमें राहत करो, हमारी राहत ही कहाँ है, नमाज में, कुर्रत आयने फिस सलात, मेरी आंखों की रोशनी नमाज में। कभी कभार बहुत शागिदान आते थे नमाज मुलाकात के, देखे काजी साहब किस में रहते थे, सजदे में, तो लाभ स्टूडेंट्स इंतज़ार करते अगर सजदा ख़त्म करे तो हम उनसे मुलाकात करें, सजदा इतना तूलानी हो जाता था शागिदान मायूस होके खड़ा होके भाग जाते थे, तशरीफ़ ले जाते थे, तो आगा काजी को सजदों में इतना सुकून मिलता था, घंटों लगाते थे तूलानी सजदे में। माली एक दफ़ा इनके एक फर्जंद थे, बहुत उनको चाहते थे, उनकी वफात हुई बिजली करंट लगने से, आज तो नजाबत इसके शागिर्द वो आए मिलने, कहा अगर आपको तसलिया तर्ज करते, कहा अभी यहीं आए थे जो गुजरे ना बच्चे मेरे, जो फर्जंद गुजरे हैं जिनको बहुत चाहते थे बिजली करंट से, उनकी वफात हुई थी, आज तो नजाबत आए मुलाकात करने, तो आगे काजी ने कहा आपके आने से पहले बिल्कुल अभी यही थे, आप आए तो उनको डिस्टर्बेंस हुई, वो चले गए, हाँ जी वो चले गए। तो अब ये देखिए ये वाकत अगर हम अपने इलाके में कहें तो क्या कहेंगे लोग, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर दूसरे जगह हो जाए कहते इफ्तिखार साथ नकल करते वो काबिल कबूल रहता है, इस तरह हजारों हजारों वाकत है। तो अगर आयतुल्लाह नजाब ने नहीं कहा आप गलत कह रहे हो, वो तो फौत हो गई, यहाँ पर कैसे आ गए, कहा अभी अभी तुम्हारे आपके आने से वो अब तशरीफ़ लेके, चूंकि मैं आपके साथ मशगूल हो गया। उसके बाद फरमाया कि अगर मैं कभी सोचता हूँ अगर बहिश्त में हम जाएंगे, बहिश्त में हम जाएंगे तो वहाँ नमाज नहीं होगी तो हमारा क्या हाल, हम क्या करें फिर, अगर नमाज नहीं होगी हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बहुत महबूब थी नमाज। हजरत हुसैन क्या फरमाते इन्नी उहिब्बु सलात, इनको मोहलत ले लो शब आशुरा की, मैं नमाजें पढ़नी है, क्यों मैं नमाज दुरुस्त रखता हूँ,
और मैं बाद में अर्ज करूंगा, शायद आज इतना ही देंगे, अर्ज करेंगे कि ये खुद इमाम हुसैन के सदके आए थे। बाबा मामा ने नजर किया था किसके यहाँ बारगाह में, इमाम हुसैन का तोहफा है हमारे उस्तादों के उस्ताद आगा सैयद अली काजी तबा रिज़वान अल्लाह ताला अलैह। तो जो इन मकामात तक पहुंचे वो इसी नमाज और इसी हुसैन की वजह से, ज़ियारत आशूरा की वजह से। तो आगे हम इंशाल्लाह अर्ज करेंगे कुरान और दूसरे जो हमारे दीनी तालीमात है उनके तई इनके फरमोदात और इनके हिदायत इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।